पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए हम सभी विदित हैं कि ये 75वां स्वर्णिम दिवस, स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व हम लोगों को इस वर्ष मनाने का जो अवसर मिल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और एक अमृतुल्य पर्व है। मैं समझता हूँ इस पर्व को जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार, प्रदेश सरकार एवं अन्य सरकार, शासन प्रशासन, जन पब्लिक जन सहभागिता के लिए अपेक्षित है, उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी करें। मेरा मेन मकसद यही था कि हमारे जो केमिस्ट भाई लोग हैं, इनके माध्यम से दूर दराज जितने भी हमारे दूरांचल में, ग्रामीण अंचलों में जितने भी दवा प्रतिष्ठान हैं, उन प्रतिष्ठान तक इनके माध्यम से ये सूचना पहुँचे कि वो अपने प्रतिष्ठान पर झंडा फहराएं। 11 से 15 अगस्त का जो दिवस शासन ने जो निर्धारित किया हुआ है, और इस आज़ादी के पर्व को बहुत ही धूमधाम और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। प्रत्येक घर घर, प्रत्येक दुकानों में, और उनके बच्चे जो लोग हैं वो भी, प्रत्येक जन सामान्य को इसमें अपनी सहभागिता दर्शानी है। और हम लोगों को इस पर्व को और भारत माता को एक सैल्यूट देकर सम्मान देना है। भारत सरकार तथा केंद्र सरकार तथा हमारे औषधि विभाग की तरफ से ये अपेक्षा की गई है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें दिन पे 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जो अभियान चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान तिरंगा, ये ऐसी अपेक्षा की गई। उसी के तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ न्यू मार्केट के तरफ हुए हैं, जहाँ पे हमारे प्रेमी सुभाई बद्दू भी और हमारे सीनियर सर भी हैं। तो यही अपेक्षा की गई है कि 11 से 15 अगस्त के बीच में इसको अमल में लाया जाए और हर घर तिरंगा सम्मान के साथ जो है। जम केमिस्ट ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में न्यू मार्केट में मोहक मेडिक पर इकट्ठा हुए हैं, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संदेश है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। क्या संकल्प लिया है आज आप लोगों ने? आज का हमारा संकल्प ये है कि भारत का संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, इसी तरीके से भारत के संविधान में हमारे कुछ मौलिक दायित्व भी हैं। उन दायित्वों में से एक है तिरंगे की आन बान शान को रखना, और तिरंगे की आन बान शान के लिए दृढ़ संकल्प है, और ये संदेश देते हैं सभी को कि सभी लोग तिरंगे की सम्मान करें और अमृत महोत्सव में बढ़ जाते। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।